हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंड सपोर्टर पर। तो आज साथियों, मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ विद ऑफिशियल न्यूज की। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक आरएससीबी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो साथियों, इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rscb.org.in, जो भर्ती निकली थी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक्स में मैनेजर्स, कंप्यूटर मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ की, सीनियर मैनेजर, मैनेजर की, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड आज 4 तारीख को ही जारी हुआ है। तो अपना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल और कहाँ से अपना इसका आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों चलते हैं नीचे। तो साथियों, ये देखिए कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक आरएससीबी एडमिट कार्ड 2019, ये उनकी ऑनलाइन वेबसाइट दे रखी है। राज क्रय सीआरबी का जो सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। इनके लिए जो रिटर्न एग्जाम प्लानिंग रखी है वो है 17 से 19 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम्स होंगे आपके। तो राजस्थान सरकारी बैंक का एडमिट कार्ड 4 दिसंबर यानी आज जारी हो चुका है। जो कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई किया है वो अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जल्दी डाउनलोड करने, ताकि बाद में अगर वेबसाइट नहीं काम करती है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये ऑफिशियल न्यूज है, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। ये पूरा प्लानिंग जो थी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जयपुर बोर्ड द्वारा ये एग्जामिनेशन करवाया जा रहा, और इसकी ऑनलाइन वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। जो इनके रिक्वायरमेंट पोस्ट के नाम थे वो मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम बैंकिंग असिस्टेंट स्टेनोग्राफ, 715 पद थे। मैंने जब भर्ती आई थी तब भी इसका एक वीडियो डाला था, अब एडमिट कार्ड आया तो डाला है। और भी कोई अपडेट आएगी इससे संबंधित तो मैं डालता रहूँगा, जैसे रिजल्ट आएगा या फिर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट देता रहता। एग्ज़ाम डेट है 16 से 18 दिसंबर 2019। और इसके बाद देखिए, जो आपकी एडमिट कार्ड रिजल्ट हुआ है चार रिलीज होगा, जो 4 दिसंबर 2019 मतलब आज ये जारी हो चुका है। जो जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी। और आप नीचे जाके यहाँ पे देखिए, ये आपका जो एग्जाम्स पैटर्न दे रखा है अलग अलग के लिए, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20, जनरल अवेयरनेस 25, जनरल नॉलेज राजस्थान का वो भी 20 का है, ये पूरा दे रखा है। बैंकिंग कोऑपरेटिव कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ये दे रखा है इंग्लिश 20, क्वांटिटी रीजनिंग, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, राजस्थान जीके, ये पूरा आपकी इस प्रकार से पेपर होगा। और आपको समय मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और 120 क्वेश्चन आपको उसके अंदर करने होंगे। इसकी क्या कट ऑफ रहेगी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको जब एग्जाम देने जाएं तो ध्यान रखें साथियों, अपना एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाएं, उसमें से आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी होता तो चलेगा। तो साथियों, ये थी आज की अपनी न्यूज। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट जो न्यूज होगी आपको मिलती रहेगी, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो या इसी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।